राजस्थान राजधानी के बंगरू में हुए दुष्कर्म की घटना को लेकर ग्रामीणों ने SDM को ज्ञापन दिया। ज्ञापन में उल्लेख किया गया है कि राजधानी के बंगरू थाना क्षेत्र में एक युवती के साथ युवकों ने एक होटल में ले जाकर दुष्कर्म किया। पीड़ित की ओर से मुकदमा दर्ज कर एक आरोपी को गिरफ्तार कर लिया गया है। ज्ञापन में आरोपियों को जल्द से जल्द गिरफ्तार कर कड़ी सजा देने की मांग की गई है। देखो, जिस तरीके से समाचार पत्रों के अंदर खबरें छप रही है, उससे एक राजस्थान था और राजस्थान की पहचान आप लोग देखते हो कि ये वीरों की भूमि जिसमें वंदन राम राम से होता है, मगर आज जिस तरीके का तांडव पूरे राजस्थान के अंदर मचा हुआ है, यहाँ का युवा साथी रोजगार के माध्यम से अखबार देखता था, यहाँ की बहन बेटियाँ अपनी रक्षा के लिए पेपर के माध्यम से पत्रिकाएं उठाती थी, मगर आज वो युवा साथी बहन बेटियां पूरी तरीके से डरी हुई है। किसी भी पेपर का कोई भी प्रश्न उठा के आप लोग देख लो, बहन के साथ में दुष्कर्म, बेटे ने माँ का गला रेता, जमीन के लिए बेटा बाप को मार रहा है, कहीं राजस्थान के अंदर चाहे जोधपुर हो चाहे सीकर हो वहां पे ढोली को उठा के लेके जा रहे हैं। अभी बड़ा राजस्थान का सबसे बड़ा घटनाक्रम थाना गाजी के अंदर देखा, उसकी आग बुझी ही नहीं तो हमारे बगरू में एक बेटी के साथ में यहाँ पे दुष्कर्म हुआ। आज हम तमाम जनता जनार्दन के माध्यम से इस प्रशासन को चेताने का प्रयास यहाँ पे कर रहे हैं, या तो 24 घंटे के अंदर प्रशासन चेत जाए, नहीं बगरू की जनता सड़कों के ऊपर आएगी। और हमने पूरी तरीके से कल भी अशोक गहलोत को अल्टीमेटम दिया है, कल अशोक गहलोत को अल्टीमेटम दिया है जब बगरू में कलेक्ट्रेट के माध्यम से ज्ञापन हमने दिया था, और मैंने वहां पे स्पष्ट बोला कि अशोक गहलोत या तो चेत जाओ, नहीं बगरू ही नहीं राजस्थान का प्रत्येक युवा चाहे वो दलित हो चाहे वो पीड़ित हो चाहे वो शोषित हो, सर्व समाज का व्यक्ति राजधानी की सड़कों के ऊपर आएगा और आप भूल जाओगे सिविल लाइन के बंगलों को। और हम अगर मन में ठान ली पीड़िता को न्याय नहीं मिला तो हम सड़कों के ऊपर आके आपको सिविल लाइन के बंगलों से सड़कों से नहीं निकलने दिया। 24 घंटे के अल्टीमेटम के बाद में आपका क्या विचार है, सर्व समाज का क्या विचार है, मैं एक राजनीतिक मुद्दे पर बात नहीं करूंगा, सर्व समाज का क्या विचार है, आगे क्या डिसीजन होगा, इस पर क्या निर्णय होगा अगर प्रशासन इस पर किसी प्रकार की कोई कार्रवाई नहीं। देखो, ये राजनीतिक मामला है भी नहीं, किसी भी घर की बेटी हो किसी भी घर की बहन हो, आप लोग देख रहे हो कि हमने इसके अंदर हमारा जो ज्ञापन है, चार मांगे हैं हमारी पीड़िता के लिए। एक तो उसके साथ में कौन लोग थे उनको तुरंत योजना में गिरफ्तार किया जाए जितना जल्दी हो सके। कौन होटल का मालिक है जिन्होंने बिना ID के उनको वहां पे कमरा दिया, उसका नाम उजागर हो, उस होटल का नाम उजागर हो, ताकि आने वाले समय के अंदर ऐसे कृत्य इन होटलों के अंदर नहीं हो। चौथी हमारी मांग है कि पीड़िता को वो सम्मान से जी सके, ऐसे लोग जो वहां पे जाके अभी तक उनको टॉर्चर कर रहे हैं वहां पे पुलिस की गश्त लगे, सुबह शाम उनको संभाले और किसी प्रकार की कोई जनहानि नहीं हो, ये हमारा अल्टीमेटम है। अगर 24 घंटे के अंदर प्रशासन चेत के इन बातों के ऊपर अमल नहीं किया तो हमारा अगला प्रदर्शन थाने का घेराव होगा और हो सका तो हम नेशनल हाईवे भी जाम करेंगे।